क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अर्जेश यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम परसिया जयरामगीर, और पोस्ट भी हमारा परसिया जयरामगीर है, थाना तहसील मधुबन जनपद मऊ उत्तर प्रदेश का। मैं मूल निवासी हूँ। क्या मामला है आपका? हमारे माता जी के नाम से 41 कड़ी भूंदरी है, खाता संख्या 556 में, गाटा संख्या 1057 का, जिसमें एसएचओ साहब पूर्व में 19 तारीख को विपक्षी जो है गांव के कुछ दबंग व्यक्ति जो है पहले खर रखे, उसके बाद से मैंने 112 नंबर पर कॉल किया, पुलिस आई, थाने पे बुलाया गया, वो नहीं आए, फिर चौकी पे, फिर 21-22 तारीख को सुबह जो है हमारी भूमधरी खाली थी और उसमें पलान उलो छाने लगे। मैंने 100 नंबर पर कॉल किया और एसओ साहब को सूचना दिया, एसओ साहब बुलाए और हम ही को उल्टे कह रहे थे कि तुमको मैं कब्जा नहीं देने दूंगा, वो कुछ बात को लेकर के नाराज थे। मैंने विरोध किया था भ्रष्टाचार का। कौन है जो आपके जमीन पर कब्जा कर रहा है? उसका नाम है श्रवण प्रसाद और मृत्युंजय प्रसाद, और एक भाई का नाम है मुन्ना और अजय, पुत्रगण स्वर्गीय खिलाड़ी। एसएचओ कौन थे उस समय? उस समय एसएचओ का नाम था श्री सुदेश कुमार सिंह। उन्होंने हमारे भूमधरी पर जो है जबरदस्ती मंडई आज रखवा दिए। इसके लिए मैं तमाम उप जिला अधिकारी और कप्तान साहब को मैंने लेटर लगाया। जब न्याय नहीं मिली हमको तो मैं 28 तारीख को क्रमिक अनशन के लिए बाध्य होकर के हमको धरना पे बैठना है कलेक्ट्रेट मऊ। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम क्या चाहते हैं, 27 तक देखेंगे, 27 तक अगर हमको न्याय नहीं मिलती है तो मैंने जो है 13 तारीख को उप जिला अधिकारी महोदय को और जिला अधिकारी मऊ, जन सूचना अधिकारी मऊ, और जो नाम है कि कमिश्नर साहब को आजमगढ़, और मुख्यमंत्री जी को मैं लेटर लगाया हूँ, और परसों जो है ये मैंने पत्रक दिया जिला अधिकारी महोदय को 14 तारीख को, और अगर न्याय नहीं मिलेगी, आज मैं एसडीएम साहब को भी दिया था। किस तरह की वो जमीन थी, पहले आपका कब्जा था कि नहीं, हम ही लोग की भूमधरी है पूर्वजों कैसे? से, और पहले हमारे पिताजी का भी नाम था, उसको हमारे पिताजी हमारे माताजी के नाम से हिब्बा लिख दिए, 41 कड़ी चौहद्दी डाल करके, और हम लोग की नेव है उस पे जो है गांव के दबंगों द्वारा, उसमें एसएचओ साहब के कहने पे पलान रखी गई और उसमें फिर चारा वाला मशीन रखा, फिर भैंस, इस समय उसमें नल वगैरह गाड़ दिया है वो। तो जिस समय ये सब हो रहा था उस समय आपने विरोध नहीं किया? मैंने विरोध किया ना, तो तो कहाँ पे फिर जाएंगे, फिर थाने पे हम आए तो थाने पर एसओ साहब कहे कि नहीं तुमको हम कब्जा नहीं होने देंगे, उनको कहाँ से पावर है, जमीन आपकी है तो फिर कब्जा कौन करेगा? कब्जा तो हम ही करना चाहिए ना, तो क्या करें, हम मार तो करेंगे नहीं, फिर मैं तो प्रशासन से ही गुहार लगाऊंगा, ऑलरेडी हमारे नाम से खतौनी है। देख लीजिए, जांच करवा लीजिए लेखपाल से। अभी सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सरकार से क्या कहना चाहता हूँ, मैं गुहार तो लगा सकता हूँ, फिर मैं न्याय चाहता हूँ, अगर न्याय नहीं मिलती है 27 तक तो मैं बाध्य होकर के जो नाम है कि जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट मऊ में 28 तारीख से पूरे परिवार के साथ क्रमिक अनशन करेंगे, फिर आवरण अनशन करेंगे, अगर न्याय नहीं मिलेगी तो ही हम लोग आत्महत्या करेंगे। फिर कितने लोग हैं जो आपके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? चार भाई हैं वो लोग, क्या क्या नाम है? एक का नाम है मृत्युंजय, दूसरे का नाम है श्रवण, तीसरे का नाम है अजय, एक का नाम है मुन्ना।